तो बेटा ये जो हीमोडायलिसिस है ये एक्चुअली कौन सा मेडिकल इमरजेंसी में ये हीमोडायलिसिस पेशेंट को किया जाता है, ठीक है। और हीमोडायलिसिस इज आल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि ये किडनी जैसा फंक्शन करता है। किडनी जैसा फंक्शन करके क्या करते हैं, ब्लड को क्लीन रखता है, ठीक है। ब्लड को क्लीन रखता है फ्रॉम एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड यूरिया। ब्लड में क्या हो जाता है, टू मच यूरिया अगर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, तो ये कंडीशन को, ये एबनॉर्मल कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया। यूरेमिया, ठीक है। यूरेमिया में क्या होता है, टू मच यूरिया इज एक्यूमुलेट इन द ब्लड, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है, किडनी फेलियर, किडनी फेलर। अब किडनी फेलर का मतलब क्या है, किडनी इज जस्ट स्टॉप वर्किंग और डिक्रीज फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है बेटा। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना कि किडनी फेलर का मतलब क्या है, किडनी इज अल्टीमेटली स्टॉप इट्स फंक्शन और किडनी फंक्शन बिकम डिक्रीज और रिड्यूस ड्यू टू यूरेमिया, दैट्स मीन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, ठीक। ये एबनॉर्मल कंडीशन को यूरिया में बोलते हैं। तो इस समय अगर किडनी फेल हो गया, किडनी अगर नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, जो किडनी का नॉर्मल फंक्शन है वो अगर नहीं कर रहा है, तो इस समय क्या करेगा, ब्लड तो क्या हो जाएगा, एक्सक्रेटरी मटेरियल से क्या हो जाएगा, मतलब लोडेड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना खतरनाक पॉइजनिंग हो जाएगा ब्लड का, जिसके वजह से पेशेंट का मौत भी हो सकता है। तो मौत होने के पहले मेडिकल इमरजेंसी में क्या यूज होता है बेटा, हीमोडायलिसिस या तो आर्टिफिशियल किडनी। तो ये किस तरह से यूज होता है, इसका काम करने का प्रिंसिपल कैसा है, ठीक है, ये किस तरह से फंक्शन करता है और क्यों फंक्शन करता है, ये मैं क्लियर करूंगा। और यही बात नीट में पूछा जाता है। देखो बेटा, मान लो कि ये एक नॉर्मल किडनी है, तो नॉर्मल किडनी अल्टीमेटली क्या करता है, ये दिन भर अपना ब्लड को क्या करते रहता है, क्लीन करते रहता है, साफ करते रहता है। ये अपने लिए क्या बनाता है बेटा, यूरिन बनाता है, राइट। और यूरिन में ये क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है सारा ब्लड का जो दूषित पदार्थ, मतलब एक्सक्रेटरी मटेरियल, स्पेशली यूरिया, यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड, ठीक है, उसके बाद क्रिएटिनिन एंड अदर्स हार्मफुल एक्सेस आयंस, ये क्या करते हैं, यूरिन में जमा कर देते हैं। और यूरिन बॉडी के बाहर जब रिमूव हो जाता है, तो उसके साथ पूरा एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर चला जाता है। तो एक्चुअली किडनी जब नॉर्मली फंक्शन करता है, तो 1 मिनट में किडनी क्या करता है, 125 ml फिल्ट्रेट बनाता है। 1 मिनट में, पर मिनट किडनी प्रोड्यूस 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, ठीक है। और तो ये इस तरह से अगर दिन भर काम करते रहेगा, 24 घंटा, 24 आवर्स, तो ये कितना बनाता है बताइए, फिल्ट्रेट 180 लीटर फिल्ट्रेट ए पर डे किडनी बनाता है नॉर्मली। अब ये 180 लीटर फिल्ट्रेट में से क्या होता है, 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन है। और इसका नियर अबाउट 1%, मतलब कितना बेटा, 1% में कितना हो रहा है, नियर अबाउट 1 to 1.5 लीटर रोज क्या बनता है बता बेटा, बताइए, रोज बनता है यूरिन, ये नॉर्मल कंडीशन में यूरिन, ठीक है। और इसी यूरिन में क्या होता है, सारा यूरिक एसिड, उसके बाद यूरिया, मेनली यूरिया, क्रिएटिनिन, अदर्स एक्सेस सब्सटेंस, राइट, वाटर एंड एक्सेस मिनरल, पोटासियम, सोडियम, ये सब क्या हो जाता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। अब किडनी क्या है बेटा, यहाँ पर किडनी तो फेल हो चुका है, ठीक है, ये किडनी क्या हो चुका है बेटा, ये फेल हो चुका है। तो ये कोई नॉर्मल फंक्शन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो ब्लड में क्या हो जाएगा, ब्लड में ये यूरिक एसिड, उसके बाद यूरिया,
यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होने जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके वजह से ब्लड बुरी तरह से टॉक्सिक हो जाएगा और इसके वजह से अपना पूरा बॉडी का सत्यानाश हो सकता है, मौत हो सकता है। तो मौत होने से पहले मेडिकल इमरजेंसी में क्या करते डॉक्टर्स लोग, जब आप बनेंगे डॉक्टर तो अब भी क्या करेंगे, ऐसा पेशेंट अगर फेस करेंगे तो आप यूज करेंगे हीमोडायलिसिस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक आइडिया है। अब मैं बताऊंगा कि एक्चुअली हीमोडायलिसिस किस तरह से किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, राइट। मानो बेटा, मानो कि ये एक पेशेंट है, ये पेशेंट है, राइट। तो ये पेशेंट को क्या हुआ बताइए, यूरेमिया हुआ, जिसके वजह से इसका किडनी क्या हो चुका है बेटा, फेल हो चुका है, ठीक है। इसका किडनी क्या हो चुका है बेटा, इसका किडनी अल्टीमेटली फेल हो चुका है। मैं एक हाथ बनाया, ठीक है, जरूरी नहीं सारा हाथ बनाने का, तो एक्चुअली एक हाथ लेके ही काम है। इसका किडनी क्या है, किडनी फेल, किडनी फेलर हो गया, इसका फेल हो गया किडनी। तो इसका किडनी या तो पूरी तरह से काम करना स्टॉप कर दिया, या नॉर्मल एबनॉर्मल अमाउंट पे क्या बना रहा है, फिल्ट्रेट बना रहा है, जो बॉडी का बॉडी के लिए सफिशियंट नहीं है, बॉडी को फ्रेश रखने के लिए, ठीक है, ब्लड को साफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए सफिशियंट नहीं है। तो इस समय यूज होता है कौन बताइए, हीमोडायलिसिस। अब ये क्या है, ये हीमोडायलिसिस का जो प्रोसेस है यहाँ पर मैं ड्रॉ करता, इसलिए ये पार्ट को मैं क्या करता बेटा, मिटा देता रैपिडली, राइट। तो बेटा ये है हीमोडायलाइजर का डायग्राम और ये हो गया आपका पेशेंट, पेशेंट जिसका क्या हो गया, किडनी फेल हो चुका है और ये हीमोडायलाइजर मशीन से क्या करेगा, ये प्रोसेस से ये पेशेंट का ब्लड में जो एक्सेस अमाउंट पे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस, ये सब जो जमा हुआ ब्लड को कंटामिनेटेड करा, इसको क्या करेंगे हीमोडायलिसिस के थ्रू, हीमोडायलाइजर के थ्रू क्या करेंगे, साफ कर देंगे। अब इसका प्रिंसिपल कैसा है ये देखिए, ये जो हीमोडायलाइजर मशीन है इसका एक जो मतलब डिवाइस है, क्या करेंगे जैसे कि जब सलाइन चढ़ाते तो देखना कुछ ट्यूब जैसा क्या करते, इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन के नीडल के थ्रू क्या करते, अपना वेंस में इंटर करा देते, ठीक है। तो ये ऐसा ही एक ट्यूब जैसा कुछ क्या है, अपना रेडियल आर्टरी में क्या कर दिया बेटा, बेटा बताइए, रेडियल आर्टरी में ये इंटर करा दिया। तो रेडियल आर्टरी से क्या होता है, आर्टरी से ये ब्लड किसके अंदर जाता है बताइए, ब्लड जाता है रेडियल आर्टरी से ये अपना ट्यूब के अंदर चला जाता है, ये यहाँ पर ट्यूब के अंदर चला जाता है, पर ब्लड ऐसे इजीली नहीं जाएगा रेडियल आर्टरी से, तो क्या करेगा, यहाँ पर एक पंपिंग मशीन है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या करता है, पंप टू सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू द डायलाइजर, ये क्या है, ये एक्चुअली ये हो गया पंप, PUMP, ये पंप हो गया। तो पंप के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी का ये रेडियल आर्टरी से बॉडी का ब्लड क्या करते हैं, ये पंप के थ्रू ये डायलाइजर के अंदर एंटर करा देते हैं, इसके अंदर ये ब्लड कंटामिनेटेड ब्लड ये क्या करा दिया बेटा, एंटर करा दिया, कौन एंटर कराया, पंप ने एंटर करा दिया, ठीक है, ये आपका कंटामिनेटेड ब्लड एंटर करा दिया। अब इंटर कराने के बाद ये क्या करेंगे, इंटर कराने से पहले यहां पर क्या होता है, ये तो आर्टिफिशियल डिवाइस है ना, तो यहां पर आके ब्लड जम सकता है, मतलब ये क्वागुलेट हो जा सकता है, इसलिए यहां पर ऐड किया जाता है एंटी क्वागुलेंट, क्या ऐड किया जाता है बेटा, एंटी क्वागुलेंट, ठीक है, एंटी क्वागुलेंट लाइक जैसे कि हेपारिन, कौन है बेटा, हेपारिन, ठीक है, हेपारिन एंटीकोआगुलेंट यहाँ पर ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद ये ब्लड को रेडियल आर्टरी से पंप किया जाता है, किसके अंदर, डायलाइजर के अंदर, ये डायलाइजर मशीन है, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लड है, दिस ब्लड इज एक्चुअली
कॉन्टेंट लॉट्स ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एटसेट्रा, एक्सक्रीटरी मटेरियल, तो इसको साफ करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जगह पे एक मतलब ड्राम जैसा दिख रहा है, एक्चुअली ये क्या है, हाईली सिक्योर प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये जो आपको मतलब ये दिख रहा है कंटेनर दिख रहा है, ये कंटेनर में देखिए कुछ फ्लूइड है, ये फ्लूइड का एक्चुअली नाम क्या है बताइए, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, इसका नाम क्या है मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन क्या करेगा, ये जो आपका ये है क्या बोलते हैं डायलाइजर है, डायलाइजर के अंदर ये फ्रेश डायलाइजर सॉल्यूशन, ये ट्यूब के थ्रू फ्रेश डायलाइजर सॉल्यूशन क्या किया जाएगा बताइए, ये डायलाइजर के अंदर सेंड किया जाएगा, भेज दिया जाएगा, ये डायलाइजर है इसके अंदर सेंड किया जाएगा, कौन बताइए, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ पर भर दिया गया, पूरा यहाँ पर डायलाइजिंग सॉल्यूशन क्या कर दिया, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ पर भर दिया गया। अब ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन का मतलब कैरेक्टर कैसा है, ये ब्लड के साथ एकदम बिल्कुल सिमिलर कंपोजिशन लेके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, सेम कंपोजिशन ऑफ दिस डायलाइजर सॉल्यूशन हैव, इफ दिस डायलाइजर सॉल्यूशन हैव एक्चुअली सेम कंपोजिशन एज दैट प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का जैसा कंपोजिशन है वैसा सेम कंपोजिशन किसका है बताइए, ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है जो फ्रेश डायलाइजर सॉल्यूशन से आया यहाँ पर कंटेनर से, इसका नाम है डायलाइजिंग सॉल्यूशन, SOLN लिख दिया सॉल्यूशन। तो इसका कंपोजिशन कैसा है मैंने अभी बताया, सेम कंपोजिशन एज दैट प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, मैंने बताया बेटा यहां पर ये फोकस करना है आपको, एक्सेप्ट यहां पर क्या रहेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजेनस वेस्ट, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ पर मौजूद है बताइए, ये जो रेडियल आर्टरी से ब्लड पंप करके यहाँ पर भेजा गया, ये ट्यूब के अंदर भेजा गया, ट्यूब का नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पता था ट्यूब के अंदर भेजा गया, ये इसमें क्या है प्लाज्मा है, और प्लाज्मा का और ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन सेम है, खाली क्या है डायलाइजिंग सॉल्यूशन में कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, पर योर ब्लड इज फुल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो ट्यूब है एक्चुअली ये ट्यूब नाम है सेलोफेन ट्यूब, क्या नाम है बेटा, जो ट्यूब है ये ट्यूब का नाम एक्चुअली सेलोफेन ट्यूब, मैं फिर से बताता, इसका नाम है एक्चुअली क्वाइल, CELOPHANE, सेलोफेन ट्यूब, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेलोफेन ट्यूब का कैरेक्टर कैसा है, इट इज एक्चुअली फ्रीली परमिएबल फॉर दिस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, बट इट इज नॉट परमिएबल टू ब्लड सेल, ठीक है, तो ब्लड सेल के अलावा यहां पर ब्लड तो आया ही, ब्लड क्या लेके आया, फुल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या करेगा, डिफ्यूज होके, फ्रीली डिफ्यूज होके ये कहां पर आ जाएगा, ये डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा, ठीक है, ये डायलाइजिंग फ्लूइड में डिफ्यूज होके नाइट्रोजनस प्रोडक्ट आ जाएगा, पर जो ब्लड में जो सेल है एसेंशियल RBC, WBC, प्लेटलेट्स, वो कभी भी नहीं आ पाएगा, और जो एसेंशियल प्रोटीन है वो कभी भी ये डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, नाइट्रोजनस जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट था ये सारा किस कहाँ पर आ गया बताइए, ये डायलाइजिंग फ्लूइड में आ गया, ठीक है, तो डायलाइजिंग फ्लूइड अभी क्या हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट से क्या हो गया, फुल हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस प्रोडक्ट यहाँ पर डायलाइजिंग फ्लूइड में आ गया, जबकि पहले इसका मतलब क्या था, कॉम्पोजिशन सेम विद द प्लाज्मा, अब यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज होकर आ गया, और फ्रेश ब्लड अभी किसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है बताइए, सेलोफेन ट्यूब के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग जो मतलब डायलाइजिंग फ्लूइड, ये आके कहाँ पर, एक कंटेनर में यहाँ पर जमा होगा, जिसको बोलेंगे यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन, ठीक है। अब ये इसके अंदर लॉट्स ऑफ क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड,
उसके बाद क्रिएटिनिन, उसके बाद एक्सेस सोडियम आयन, उसके बाद एक्सेस पोटाशियम आयन, ये सब ये क्या बताइए ये कंटेनर में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लड कॉन्टामिनेटेड ब्लड रेडियल आर्टरी से ये सेलोफेन ट्यूब के अंदर आया था, ठीक है, इसका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट सारा ये डायलाइजिंग फ्लूइड में आ गया जो यहाँ पर जमा हो गया। अब ये ब्लड, ये जो फ्रेश ब्लड ये क्या होगा बताइए, ये जो फ्रेश ब्लड सेलोफेन ट्यूब के अंदर है इसको फिर से पंप करके कहाँ पर बताइए रेडियल वेन में अपना बॉडी के अंदर भेज देगा, ठीक है। अब ये ब्लड क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट फ्री, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्री, तो ये जब यहाँ पर फिर से अपना बॉडी में भेज दिया जाएगा तो देखिए यहाँ पर पहले ये सेलोफेन ट्यूब के अंदर भेजने के पहले यहाँ पर एंटीकोगुलेंट ऐड किया गया था जिसका नाम है हेपरिन। तो यहाँ पर क्या है जब ब्लड को फिर से अपना बॉडी में फ्रेश ब्लड को भेज दिया जाएगा तो यहाँ पर एंटी हेपरिन ऐड किया जाएगा, एंटी हेपरिन, हेपरिन, एंटी हेपरिन ऐड किया जाएगा जिसको क्या बोलते हैं एंटी एंटीकोगुलेंट, राइट, या एंटी हेपरिन, सीधा याद रखो एंटी हेपरिन ऐड किया जाता है जिसके वजह से क्या होता है ब्लड क्या होता है नॉर्मल फंक्शनिंग आगे जाके करता है और इसका बराबर लिक्विडिटी मेंटेन रहता है, ठीक है। दैट इज द होल आइडिया ऑफ हीमोडायलाइसिस, राइट। तो इसमें सबसे ग्रेट रोल किसका है बेटा, ये सेलोफेन ट्यूब का, इसका ग्रेट रोल है बताइए सेलोफेन ट्यूब, बिकॉज सेलोफेन ट्यूब इज फ्रीली परमिएबल टू यूरिया, यूरिक एसिड, पोटासियम आयन, एक्सेस पोटासियम आयन, एक्सेस सोडियम आयन, एक्सेस अदर्स एक्सक्रीटरी मटेरियल, ये फ्रीली परमिएबल हो जाता है, बट इट इज नॉट परमिएबल टू ब्लड सेल, राइट, लाइक WBC, RBC, प्लेटलेट्स एंड अदर एसेंशियल कॉम्पोनेंट। तो ये क्या होता है फ्रेश ब्लड साफ करके नाइट्रोजनस वेस्ट फ्री करके ये बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, राइट। और ये हीमोडायलिसिस कब यूज होता है बेटा, व्हेन आवर किडनी इज फेल, ड्यूरिंग किडनी फेलर, ठीक है। और इस ये क्या है बहुत ही पेनफुल और पैथेटिक प्रोसेस है बेटा, ठीक है। तो ये बार बार अगर पेशेंट के साथ किया जाता है तो क्या है मतलब आप समझ सकते हैं कितना तकलीफ वाला होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर हीमोडायलिसिस से और मेडिसिन से ड्रग से ठीक नहीं हुआ किडनी का एबनॉर्मल फंक्शन तो क्या है अल्टीमेटली किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बताएंगे कि किस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, राइट, दैट इज द होल आइडिया ऑफ हीमोडायलिसिस।